मोदी जी झूठे वादे करते हैं जनता से, वो तो कहे कि हमने गरीबी दूर करेंगे, 15-15 लाख रुपया भेजे खातों में, कहाँ भेजे? नहीं भेजा जी, नहीं, अभी तक कुछ गरीब के खाते में कुछ भी नहीं आया सर, एक पैसा भी नहीं आया। झूठे वादे से हम लोग नाराज है। गैस सिलेंडर दिए, कुछ भी नहीं मिला। गैस सिलेंडर किसी को दिया, किसी को नहीं दिया, ताड़ के ढोका से बना रहा है। तो चंदन सिंह को नाम से जानते, चेहरा से नहीं जानते? चेहरा जी अभी तक बढ़िया से देखे भी नहीं हम, बढ़िया से नहीं, जिन्हें कोई जनता भी नहीं पहचानता, उनका पार्टी पहचानता तो नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, कोई काम किए हैं चंदन? हम लोग जो गरीब को देखे हैं, गरीब को जो मसीहा आए हैं नवादा जिला के अंतर्गत में संसद के चुनाव में, उनको हम पूरी तरह समर्थन करेंगे हम लोग पूरे तहे दिल से। और इस बार में दिल साधो, आप देख रहे टाइम्स ऑफ बिहार। इस वक्त मैं नवादा जिला के अकबरपुर प्रखंड में हूँ, और अभी से ही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक गलियारों में शोर मचने लगा है। और 2024 चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार ग्राउंड रिपोर्ट जारी है। तो हम अभी हम अकबरपुर प्रखंड में, और हमारे साथ एक व्यक्ति है, क्या नाम है आपका? रमेश पासवान। 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस चुनाव को कैसे देखते हैं? इस चुनाव में हम गरीबों को बहुत सताया जा रहा है, जो कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्नीति से देख रहे हैं। उनके झूठे वादे से हम लोग बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहे कि हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा, वो रुपया कहाँ चला गया? उन्होंने कहे कि गरीबी दूर हो जाएगी। हम लोग गरीबी में चपेट में आए हुए हैं, सुखाड़ की स्थिति में भी हैं। हम लोग खेतों में बीज डाल दिए हैं, फिर आशा देखे हुए हैं, फिर इस वर्ष लगता है कि सुखाड़ की स्थिति में है। हम लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, उनके झूठी वादे से खिलाफ है, नरेंद्र मोदी से नहीं खिलाफ है। और मैं ऐसे माले का नेता हूं, कार्यकर्ता हूं, हम जो है प्रखंड अकबरपुर के हूं, और उनके वादे जो झूठी झूठी कुछ दिन पहले जो बोले हैं कि हमने गरीबों को बहुत कुछ देंगे, कुछ नहीं मिला है। और मिलना यहाँ तक कि हम लोग को गरीबों को अनाज जो जन वितरण प्रणाली से मिलती है, गेहूं भी गायब है। उसके बाद चावल जो है, चावल जो मिलते हैं सड़ा सड़ा मिलता है, उसमें खा करके हम लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। अच्छा, आपके जो क्षेत्र के सांसद चंदन सिंह, उनको जानते हैं? चंदन सिंह से बहुत दिन से जानते हैं। वो जो चंदन सिंह आते हैं तो सिर्फ चंदन सिंह के पार्टियों, जैसे बीजेपी के आदमी हैं तो बीजेपी के ही आदमी के लोग को बुलाते हैं। वो गरीब के बीच में आए नहीं, जीतने के बाद अभी तक कोई जनता मुलाकात नहीं किया है, ना उनको बढ़िया से पहचानते कौन है। उनकी पार्टी जो बीजेपी में है, उनके अच्छे अच्छे लोग हैं साथ में, वही पहचानते हैं, बाकी हम लोग तो पहचानते नहीं अभी तक। लेकिन वोट ले लिए और गायब है 500। तो चंदन सिंह को नाम से जानते, चेहरा से नहीं जानते? चेहरा जी अभी तक बढ़िया से देखे भी नहीं हम, बढ़िया से नहीं, जिन्हें कोई जनता भी नहीं पहचानता, उनका पार्टी पहचानता तो नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, कोई काम किए हैं चंदन? नहीं, अभी तक इधर कुछ नहीं हुआ, चंदन सिंह कुछ नहीं किया है। तो इस बार नवादा लोकसभा चुनाव में जो है, कैसा सांसद चाहिए आपको? हमारा सांसद चाहिए लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव आने वाला, वो गरीबों को जो सहारा देगा, उनकी वोट करेंगे हम लोग, उनको जिताएंगे। हम लोग जो गरीब को देखेंगे, गरीब को जो मसीहा आएंगे नवादा जिला के अंतर्गत में संसद के चुनाव में, उनको हम पूरी तरह समर्थन करेंगे हम लोग पूरे तहे दिल से। तो मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी झूठे वादे करते हैं जनता से, वो तो कहे कि हमने गरीबी दूर करेंगे, 15-15 लाख रुपया भेजेंगे खातों में, कहाँ भेजे? नहीं भेजा जी, नहीं, अभी तक कुछ गरीब के खाते में कुछ भी नहीं आया सर, एक पैसा भी नहीं आया। झूठे वादे से हम लोग नाराज है। गैस सिलेंडर दिए, कुछ भी नहीं मिला। गैस सिलेंडर किसी को दिया, किसी को नहीं दिया, ताड़ के ढोका से बना रहे हैं, लकड़ी चुन चुन के गरीबों बना रहे हैं। अभी भी महिलाओं के आंख में धुआं जा रही है, और मोदी जी कहते हैं आंख की धुआं से आंखों के बचाएंगे महिलाओं को। लालू जी के जानते हैं? लालू जी के जानते हैं। लालू जी भी कुछ दिन पहले यानी बढ़िया काम किया, फिर उनको बदनाम किया गया। अब जो है बदनाम करने, अब जो आएंगे मैदान में, महागठबंधन की सरकार होगी। महागठबंधन की सरकार होगी? होगी, निश्चित होगी, पक्का होगी। हम लोग समर्थन महागठबंधन में है। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं? मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इस बार नहीं बनेंगे जी, नहीं, पक्का पक्का। अब बन गए तो? बन गए तो क्या करेंगे, उनको बनाने वाले बनावेंगे, उनके जो साथ है वो बनावेंगे, लेकिन गरीब गुरुआ तो नहीं देंगे उनको वोट। इधर गरीब गुरुआ वोट नहीं देंगे तो किसको प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री बनेंगे जो जीत के जाएंगे, गद्दी पर बैठेंगे, यहाँ जिसका सत्ता, जिसका ज्यादा वोट निकलेगी, काउंटिंग होकर निकल जाएगा, वो बने गद्दी पर बैठेंगे। नाम अभी क्या बताएं, कौन बैठेंगे नहीं बैठेंगे ये। अच्छा, प्रधानमंत्री लायक कौन है? प्रधानमंत्री लायक तो ऐसे नीतीश कुमार है। अच्छा, नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाइएगा? बनाना चाहते हैं, गरीबों को देख रहे हैं कुछ न कुछ। आज नीतीश कुमार के भी बारे में बोल देते हैं कि आज देखिए, कुछ 5 साल पहले हमारे प्रखंड, हर प्रत्येक प्रखंड में वार्ड सदस्यों के कुछ खाते में पैसा दिया था, मुखिया कराया,
सब काम धंधा मिलजुल कर करके इस बार नदारत वार्ड से देखो एक रुपया आमदनी नहीं, कहीं से कोई भत्ता वत्ता भी नहीं मिलता है। ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग लिया जाता है लेकिन भत्ता भी नहीं मिलता है। घर से पैसा लगा करके कर्जा लेकर के भाड़ा लेकर वार्ड सदस्य आते हैं ब्लॉक पर, कुछ काम नहीं होता, कुछ भी काम नहीं होता है ब्लॉक में। 12 बजे तो क्लास चलती है, अफसर लोग आते नहीं है, पर वो ब्लॉक में तो 12 बजे अफसर नहीं आते हैं। चलिए, ये थे जो है अकबरपुर प्रखंड के वार्ड सदस्य थे और ये अपना विचार रखे हैं, और तो हमारे साथ बने रहे और इसी तरीके का ग्राउंड रिपोर्ट लगातार आप हम दिखा रहे हैं। और इस बार आपको नवादा का सांसद कैसा सांसद चाहिए हमारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं।